आज हम सूजी का डोसा बनाएंगे और जो बहुत इजी है इसके लिए हम लेंगे 2 कटोरी सूजी। इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसके बाद इसमें हम 1/2 कप बेसन मिलाएंगे और 1/2 कप आटा। इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस इसका दरदरापन हटाना है। अब इसे बाउल में करेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1 चम्मच ही मीठा सोडा डालेंगे और 1 कप दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, तब तक हम डोसे में भरने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। पैन लेंगे, इसमें 1/2 कप ऑयल लेंगे और इसे गर्म होने के बाद इसमें सरसों डाल देंगे। जब ये चटकने लग जाए तब इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। और इसमें चना की दाल डालेंगे जो भीगी हुई थी। इसे भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ब्राउन होने तक। अब इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे, हरी मिर्ची कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चे नहीं खाते हैं तो आप नहीं यूज़ करें। इसमें हरी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर देंगे। और ये आलू मैंने पहले से उबाल के रखा हुआ था। ये 5 आलू हैं मीडियम साइज़ के। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा मसाला तैयार है। अब इसे ठंडा होने रख देंगे, तब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। ये बहुत गाढ़ा है इसलिए इसमें पानी मिक्स करके इसे तो अच्छा से करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गया हमारा। और तवे पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये कॉटन की हेल्प से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे कम लगता है। और अपना पेस्ट डाल के धीरे धीरे फैला देंगे। और इसे हमें तेज आंच पे सेकना होता है। पाँच से सात मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ब्राउन हो गया, यानी अब हम इसे मसाला भर देंगे इसमें। और ये हमारा डोसा तैयार है। अब इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ।